हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस मैं अभिषेक आज फिर से आज की जो टॉप टेक न्यूज है वो आपको सामने लेके चला। तो गाइस यहाँ पे आपको थंबनेल में देख लीजिएगा कुछ कौन से डिवाइस के बारे में आपको बताऊंगा। तो गाइस यहाँ पे जो डिवाइस आने वाली है वहाँ पे ओप्पो रेनो 3 होने वाली है। तो पे ओप्पो रेनो 3 से जुड़ी कुछ यहाँ पे लॉन्च डेट, स्पेसिफिकेशन और प्राइस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे जो एक एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए होने वाली है बहुत ही नॉलेजेबल। तो गाइस ये वीडियो ना आप जरूर पूरा एंड तक देखना, और अगर यहाँ पे चैनल पे आप न्यू हो तो गाइस एक लाइक मार देना, अगर यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑल पे कर देना, क्योंकि गाइस मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो के साथ विश्वास भी देता हूँ। तो चलिए गाइस आज की जो वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे ओप्पो रेनो 3 को लेकर जो आज की जो टेक न्यूज है वो मैं बता देता हूँ। तो गाइस ओप्पो रेनो 3 का जो गाइस कुछ स्पेसिफिकेशन है, कुछ लीक्स है, कुछ इमेज है, वो मैं आप सबसे शेयर करने वाला हूँ। तो गाइस मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। तो गाइस यहाँ पे ओप्पो का जो इमेज है, और गाइस इसके साथ में और भी यहाँ पे जुड़े जो जानकारी है वो बारे में बताऊंगा। तो गाइस आपके मैं समझ सकता हूँ आपका जो गाइस यहाँ पे जो बहुत ही कीमती टाइम में आपको वेस्ट कर रहा हूँ। तो गाइस वीडियो का पूरा देखते रहो, क्योंकि गाइस यहाँ पे वीडियो जो गाइस आपको वेस्ट नहीं करेगा, आपका एक भी टाइम आपको वेस्ट नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूंगा ओप्पो के बारे में, ओप्पो रेनो 3 को लेके। तो ओप्पो रेनो 3 का जो कैमरा है वो भी बहुत अच्छी रहने वाली है। तो गाइस ओप्पो रेनो 3 का जो कैमरा है वो आपको 48 मेगापिक्सल का रहने वाली है। तब सोचो कि ओप्पो रेनो 3 का 48 मेगापिक्सल, तो गाइस यहाँ पे जो प्रेजेंशियल सिचुएशन है ना, वो ओप्पो का जो कैमरा है वो एक मैंने स्मार्टफोन दमदार माना जाता है। तो अगर ओप्पो 48 मेगापिक्सल जो है प्राइमरी कैमरे के साथ, अगर जैसे जो इसके साथ जो भी 13 मेगापिक्सल का कैमरा रहने की, तो जैसे 13 मेगापिक्सल कैमरा जो है जैसे शूटिंग के लिए हो रहा है। अगर जैसे जो 8 मेगापिक्सल का कैमरा रहेगा वो आपको डेप्थ सेंसर देखने के लिए मिलेगा, और अगर 2 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि माइक्रो सेंसर रहने वाली है। और अगर जैसे मैं बता दूँ क्या इसका जो प्रोसेसर है, तो उस प्रोसेसर के बारे में आपको बताऊँ। तो जैसे प्रोसेसर जो है जैसे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765 प्रोसेसर रहने वाले हैं, जो कि जैसे पावरफुल प्रोसेसर। और अगर जैसे जो फोन जो है जैसे मिड रेंज प्राइस में आ सकता है, जो कि जैसे मिड रेंज प्राइस में आपको ऐसे एक पावरफुल प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा गेम्स पे इसके साथ, जो कि आपको जो गेमिंग जो है जैसे रियल गेमिंग स्पोर्ट गेमिंग का सर्विस जो है आपको देने वाली है। और अगर मैं आपको बता दूँ क्या इसका जो कलर वेरियंट है, आपको ब्लैक पिंक एंड व्हाइट कलर वेरियंट पर यह फोन जो है आपके साथ लॉन्च हो सकता है। और अगर इससे जुड़ी जो कहानी है वो मैं बता देता हूँ। तो इस फोन का जो चार्जर रहने वाली है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका जो कीमती टाइम है ना वो चार्जिंग पे ही लगा देता हूँ। तो ऐसे पे चार्जिंग का जो समय है मैं बता देता हूँ, चार्जिंग जो है ऐसे पे 65 वाट का रहने वाले। तो अगर जब चार्जिंग 65 वाट का रहने की वजह से अगर ये जो फोन है, ये फोन आपको 25 मिनट पे, सिर्फ 25 मिनट पे अगर आपको जो 100% चार्ज मिल जाएगी, इससे अगर आपको जो कीमती समय है वो भी थोड़ा आप बचा सकते हो। तो बस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ क्या ये फोन जो है यहाँ पे लॉन्च डेट, तो बस लॉन्च डेट के पहले बता दूँ क्या ये फोन जो है ना सबसे पहले चाइना पे ही लॉन्च होने वाला है। तो यहाँ पे चाइना पे किस दिन लॉन्च होने वाला है, तो अगर चाइना में तो यहाँ पे क्रिसमस का अगले दिन आप जो कैसे यहाँ पे जो फोन है ये लॉन्च होने वाला है, जो कि कैसे 26 दिसंबर होने वाली है। तो फिर 26 दिसंबर को ये फोन जो कैसे चाइना पे लॉन्च हो रहा है, जो कि कैसे बहुत ही चर्चा में थे, कुछ दिनों से बहुत चर्चे में लगे हैं और लोगों ये पे ओप्पो रेनो 3 को लेके। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कैसे पे ओप्पो रेनो 3 के साथ और भी एक न्यूज़ मैं आपको सामने लेकर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो वर्सन है ना, इस फोन का जो वर्सन है यहाँ पे काला वे 7 देखने के लिए मिलेगा, जो कि एकदम न्यू वर्सन रहने वाली है। अगर ये फोन जो है ना, ये फोन जो आपको 5G सपोर्टेड डिवाइस चिपसेट के आपको साथ रहने वाली है, ठीक है। और अगर मैं आपको और भी चीज़ बता दूँ कैसे इस फोन के साथ साथ, ये फोन चाइना पे लॉन्च होने के साथ साथ जो और भी एक ओप्पो का जो डिवाइस यहाँ पे लॉन्च होने वाली है, जो कि जैसे पे ओप्पो का इनको फिटी और एयरबड्स जो आपको देखने के लिए मिलेगा, जो अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वही एयरबड्स कैसे रहने वाली है। तो कैसे ये एयरबड्स का प्राइस जो कैसे पे 1 से 2000 के तक पास हो सकता है। तो अगर यहाँ पे जब ये एयरबड्स है, ये एयरबड्स आपको जो है यहाँ पे आपको ये फोन के साथ ओप्पो जो कि यहाँ पे ओप्पो रेनो 3 फोन के साथ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो बस मेरा पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा ऐसे हेडफोन जो है पर ओप्पो रेनो 3 के साथ मिल सकता है। तो बस ये फोन जो है फिर चाइना पे लॉन्च होने वाले, तो देखते हैं कब ये फोन इंडिया पे लॉन्च होने वाला लॉन्च होगा। तो बस मेरे को लगता है कि ये फोन जो है पे जल्दी ही कुछ टाइम के बाद ही जो है इंडिया पे ये फोन भी लॉन्च हो जाएगा। तो आशा करते हुए जब वीडियो मैंने बहुत अच्छे आपको समझ आया सब कुछ। तो बस वीडियो को कैसा लगा, अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं जो हमेशा ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो के साथ आगे बढ़ता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं बता दूँ कि गाइस जो भी जब मैं आपको फॉलो करना चाहता हूँ, मैं इंस्टाग्राम लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, जाके फॉलो कर दो। अगर यहाँ पे चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, और गाइस यहाँ पे मैं बता दूँ कि गाइस यहाँ पे जो भी यहाँ पे बेल आइकन है ना, वो बेल आइकन को आपको गाइस यहाँ पे ऑल पे कर देना है। तो चलिए गाइस आज की वीडियो इतनी ही, कल
फिर मिलते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट टॉप टेक वीडियो लेके। तो चलिएगा, जय हिंद, वंदे मातरम।